गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए देख लेते हैं हम मार्केट में किस प्रकार काम करने वाले हैं। पहले मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हम किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो टेक्निकली मींस यहां पे देखिए, मैंने एक पैरेलल जोन यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर इस जोन को लेकर और यहाँ पे इसको टच करता हुआ मार्केट, यहाँ पे एक पैरेलल जोन को मैंने बना दिया। अब मार्केट यहाँ पे देखिए, इसका जो मिडल लाइन होता है उससे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। अब मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो पहला तो हमारे पास ये ऑप्शन बनता है कि मार्केट यहाँ कहीं आता है तो वहाँ से हम एक सेलिंग जोन बना सकते हैं। मार्केट जब हमें यहाँ कहीं मिले, यहाँ कहीं मिले, तो वहाँ पर एक सेलिंग किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये तो हो गया टेक्निकली। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, हम क्या बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको केवल चार्ट नज़र आए। तो इसको मैंने हटा दिया, आप देखिए क्या हो रहा है। मार्केट में हमें अच्छी खासी सेलिंग नज़र आ रही थी यहां पे, तो आपको एक कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रही थी। उसके बाद मार्केट यहां कहीं ओपन हो रहा है, तो जो यहां पे सेलिंग करके गए थे यहां तक, उनको तो मार्केट ने ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है मार्केट। अब रहते कौन है यहाँ पे, जो बिल्कुल हाई के ऊपर सेलिंग किया जिसने, ये जो टॉप है इसके ऊपर, हाई के ऊपर जिसने भी सेल किया है वो रहता है मार्केट में। अगर मार्केट इसके भी स्टॉप लॉस खा जाता है, तब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में अपर साइड कितना मूवमेंट आता है। अगर मार्केट अपर साइड चलने की कोशिश करता है तो हमें देखना पड़ेगा अपर साइड कितना मोमेंटम आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजी लेवल है नहीं आसपास, 500 का है, 36500 का, वो देखेंगे उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करें। अगर मार्केट कंटिन्यू अपर साइड चला जाता तो यहाँ कहीं उस इस साइकोलॉजी लेवल का कोई मैटर नहीं रहता, क्योंकि ये काफ़ी डाउन हो जाएगा। फिर हमें 37000 का कोई आसपास लेवल बन नहीं रहा है, तो साइकोलॉजी लेवल तो है नहीं। अगर मार्केट अपर साइड निकलने लगता है तो हमें अपर साइड में कैसे मोमेंटम होगी वो देखना पड़ेगा। फिर हमें केवल चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। मान लेते हैं अगर डाउन साइड आ जाता है तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मार्केट। क्यों करेगा? क्योंकि फिर हमारे पास एक साइकोलॉजी लेवल भी बन जाएगा, नीचे कोई स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है मार्केट को। फिर हमें फिर से दोबारा से चार्ट में वेट करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहे हैं, फिर हम पोजीशन बनाएंगे। और इसी प्रकार निफ्टी का है, निफ्टी भी फ्लैट सा ही ओपन हो रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए हैं। साइकोलॉजी लेवल तो इसमें ज़्यादा मैटर करता नहीं, क्योंकि ये 100-200 पॉइंट मूवमेंट करता है, तो नियर बाय है भी नहीं कोई। तो ये देखना पड़ेगा कि इसको हाई को क्रॉस करेगा तब कैसा मोमेंटम करता है, अगर डाउन साइड आता है तो वो किस प्रकार का मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड स्टॉप लॉस काफ़ी पड़े हैं मार्केट में, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। लेकिन हम निफ्टी में काम नहीं करने वाले, केवल हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे, ये जस्ट आपके लर्निंग के लिए मैंने बता दिया था। अब हम देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस प्रकार काम करेंगे। तो मार्केट को ओपन होने देते हैं, फिर हम देखेंगे। तो चलिए हम पहले पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन में जाना पसंद करूँगा, तो क्वांटिटी को लगा लेते हैं क्योंकि हैवी मोमेंटम आया हुआ है। तो पहले हम बाय कर लेते हैं इसको। दूसरा हम क्या करेंगे देखते हैं, वो काफ़ी तेज़ी का मोमेंटम आया, दूसरा भी पोजीशन बना लेते हैं, पुट साइड का ही पोजीशन बनाएंगे। 575 फिर से क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अभी तो हमें लॉस नज़र आ रहा है, मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई है, मार्केट में देखिए अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, मार्केट ने एक फर्स्ट पुल बैक लिया है। तो अभी मार्केट को ऐसा तो नहीं कि अपर साइड उनके स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? देखिए होता क्या, देखिए यहाँ पे जो बायर वगैरह थे उनके तो मार्केट ने स्टॉप लॉस खा चुका था। अब मार्केट ने ये जो मोमेंटम दिया था, ये ऑलरेडी ऐसा मोमेंटम था जहाँ पे मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं थे, फिर भी मार्केट डाउनफॉल कर रहा था। लेकिन फिर उनके मार्केट ने जो यहाँ पे सेलिंग करके गए थे, यहाँ पे सेलिंग करके गए थे, यहाँ पे सेलिंग करके गए थे, मार्केट ने उनके भी स्टॉप लॉस खा चुका है। अब मार्केट फिर से सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे हमारी पोजीशन बना ली जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई और अलग से इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, क्योंकि देखिए चार्ट में होता क्या है, अगर मार्केट में अपर साइड चलता तो भी हमें चार्ट में देखना पड़ता, अगर ये नियर बाय कोई साइकोलॉजी लेवल होता तो भी हमें चार्ट में अकॉर्डिंग उसके काम करना पड़ता। अब नियर बाय ना तो कोई साइकोलॉजी लेवल है, ना ही कोई यहाँ पे बायर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो केवल हम स्टॉप लॉस फाइंड आउट करेंगे चार्ट के अंदर और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यही होता है सिंपल रीजन के अकॉर्डिंग, अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो इसी प्रकार आपको काम करना होता है। तो अभी देखते हैं, हमें 4000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चला है, प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट या लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट हम ऑलमोस्ट हम लेने वाले हैं 80,000 के आसपास, 90,000 के पास, और लॉस भी उतना ही लेंगे हम, 70,000 से 80,000 के आसपास हम लॉस लेने वाले हैं। तो वेट करते हैं मार्केट में, देखते हैं किस प्रकार का मोमेंटम हमें मिलता है। अभी तो हमारी पोजीशन प्रॉफिट में ही चल रही है, तो चलने देते हैं। इस प्रॉफिट से तो कुछ होने वाला है नहीं कि इस प्रॉफिट से मार्केट से निकल जाएं फिर यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बना लें, तो ऐसा तो मैं कभी करता नहीं हूँ। तो आने देते हैं मोमेंटम, हमें अपर साइड का भी मोमेंटम मिल सकता है, डाउन साइड का भी मिल सकता है, क्योंकि वो मार्केट में थोड़ा सा बहुत तंग तो करता है मार्केट, ऐसे मोमेंटम के फिर से डाउन साइड आ गया तो वहाँ पे एम वगैरह पैटर्न बनेंगे, तो वह मैं आपको बताता रहूँगा कि मार्केट में आपको किस प्रकार काम करना चाहिए। तो होल्ड करते हैं पोजीशन में,
और 15-16,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो 45 के राउंड ही चल रहा है। लेकिन मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकडाउन दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे जो सेलिंग वगैरह करे थे उनका भी स्टॉप लॉस खा चुका है। लेकिन मार्केट में अभी ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से तुरंत रिकवर कर देगा, मार्केट में एक डाउनफॉल और आएगा उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकता है और वहीं पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो कभी भी आपको जब आपको चार्ट पता है कि किस प्रकार मूव करता है तो आपको कभी भी जल्दी नहीं होती कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, लॉस बुक कर लें। तो आपको पता होगा कि ये मोमेंटम इस प्रकार आने वाला है। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट में आप गलत साबित हो जाओ, उस समय आपका लॉस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में बने रहोगे जब आपको पता होगा कि मार्केट किस प्रकार मूव करता है। तो यहाँ पे पहले बार यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बायर वगैरह को ट्रैप किया, अब मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन देके यहाँ पे जो सेलिंग वगैरह करने की कोशिश करे थे उनका भी स्टॉप लॉस खा चुका है। अब मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा अब दोबारा से मोमेंटम हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकता है। तो ये मार्केट का नियम है, मार्केट के रूल है। आपको मार्केट के अगर रूल समझ में आ गए तो फिर आपको पोजीशन को हैंडलिंग करने में भी समस्या नहीं होगी। तो ये तभी आएगा जब आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जब तक आप चार्ट को ऑब्जर्व करना नहीं शुरू करोगे तो पहले मैं प्रॉफिट देख लेता हूँ कितना चल रहा है। 65-64 के राउंड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 80,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट की बात हुई, 80,000 के अराउंड ही अपनी पोजीशन को निकालेंगे, उससे पहले हम नहीं निकालने वाले। 68-67 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं। ये जब तक इसको लो को क्लियर नहीं करेगा, इस लो को क्लियर नहीं करेगा तब तक मार्केट रिकवर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही बिहेव करता है मार्केट हमेशा। तो आने देते हैं, देखते हैं इसी मोमेंटम में क्या पता हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो जब तक ये मोमेंटम आएगा नहीं तब तक तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ नहीं। तो आने देते हैं मोमेंटम, देखते हैं किस प्रकार का मिलता है। 63 के राउंड प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं सोच तो रहा था कि इसी मोमेंटम में हमें मिल जाएगा, मोमेंटम नहीं मिल नहीं रहा है। देखते हैं, इसको आ जाना चाहिए, इसी कैंडल को आ जाना चाहिए, अगली कैंडल आ जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें अपने प्रॉफिट और लॉस से लेना देना होता है। तो वो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा है ये पोजीशन को, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन 60,000 के राउंड प्रॉफिट तो बुक करना हमारा सेंस नहीं बनता, तो वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम देखिए, दोबारा से मार्केट देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाने की सोच रहा है, और कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन आने वाला है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो उसी मोमेंटम में अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। कभी भी आपको इस जैसे डबल बॉटम पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का और मोमेंटम आएगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जा सकता है। तो अभी देखते हैं हमारा 60-70 के अराउंड अपना प्रॉफिट चलने लग गया, और आने देते हैं मार्केट को। जब तक ये क्लियर नहीं करेगा, इस रेड कैंडल को क्लियर नहीं करेगा, तब तक हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको रेड कैंडल को ऐसे कर देते हैं, यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बाद ही निकल जाएंगे। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ इसका, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला। 68 के राउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, 67 के राउंड होल्ड करते हैं पोजीशन को, कि यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन तो दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट और भी डाउनसाइड आना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ से रिकवर करेगा, थोड़ा सा और भी डाउनसाइड आएगा तब हमारा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 62-63 के राउंड ये अपना प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं मार्केट को, थोड़ा होल्ड करने देते हैं। मार्केट आना चाहिए, अच्छा खासा ब्रेकडाउन देगा ना, तभी हम अपनी पोजिशन को निकालेंगे, ऐसा नहीं निकाल सकते हम पोजिशन को, वेट करते हैं। यहाँ पे अपना प्रॉफिट है नियर बाई 80,000 के आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन को बुकिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो एक मोमेंटम आने देते हैं, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 79-80,000 होने देते हैं, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले पोजीशन निकाल देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे सेकेंड पोजीशन का, और भी एक डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है हमें, थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, काफ़ी देर हो गया मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करते हुए। तो चलिए इसी मोमेंटम में अपना 76 के राउंड प्रॉफिट हो गया, 77, थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन आ जाएगा मोमेंटम, हमें मिल जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पे। थोड़ा सा और भी डाउनसाइड आने देते हैं, और थोड़ा सा 82 यहाँ पे निकालेंगे अपना प्रॉफिट। तो हमने 81,000 के राउंड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, एज मेंशन वी जैसे हमने डिसाइड किया था 81-80,000 के राउंड अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया वो। और टाइम की अगर बात करें तो 9:30 से लगे थे हम, 9:54 हो गए हैं, तो टाइम तो थोड़ा अच्छा ले लिया हमने, क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेना था इसलिए टाइम ज़्यादा ले लिया। अदरवाइज़ हम इतना टाइम नहीं लेते मार्केट में, 10-15 मिनट में हमारी पोजीशन से निकल जाते हैं। लेकिन मुझे पता था कि एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करता हुआ, मार्केट रिकवर करेगा ना, अब मार्केट को रिकवर करेगा तो ऐसा सारा मोमेंटम करता है वो, कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि एंट्री कहाँ बनाएं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे होल्ड करके मार्केट फिर अपर साइड जाता है, कभी भी नहीं करता, फिर तो कोई भी पोजीशन बना लेगा।
मार्केट में मोमेंटम आएगा वो बहुत तेजी का आएगा। जैसे यहाँ पे रिकवर किया मार्केट ने, तो किसी को वेट करने दिया क्या? 1 या 2-3 मिनट के अंदर पूरा पूरा रिकवर कर दिया मार्केट में, तो वो रिकवर करता है। तो ऐसा तो होता नहीं कि आप देखिए मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करेगा उसके बाद मार्केट रिकवर कर देगा। तो इसी प्रकार मोमेंटम चलता रहता है मार्केट को। आपकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी आपको टाइम नहीं देगा बैठने का, आपकी एंट्री है वो एक्यूरेट करने ही नहीं देगा आपको। आप अगर ये प्लान बनाओगे कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना लूँ, तो मार्केट ऐसा कभी भी नहीं करने देता। अगर मार्केट को अपर साइड जाने देता है तो आपकी एंट्री को वो एक्यूरेट होने नहीं देता, उससे पहले ही भाग जाता है। आप प्लान बनाओगे उससे पहले ही वो भाग जाएगा। तो अगर आपको एंट्री एक्यूरेट बनानी है तो आपको चार्ट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में आ जाएगा, टाइम लगेगा। जिस दिन आप टाइम लगाने लगोगे मार्केट में, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा और पैसा भी बनेगा। पैसा तभी बनता है जब आप सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे ये टाइम किस प्रकार आया, यहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन क्यों हुआ। तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ऐसा नहीं 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। तो हमारा जो 81,000 अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।